Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कनाडा वापस आने वालों को होटल में करंटीना से इनकार महंगा पड़ गया। मुतादिद अफराद को पुलिस की जानिब से जुर्माने का सामना करना पड़ा। थंडर बे में कोरोना वायरस फैलने के बाद स्कूल बोर्ड का ऑनलाइन क्लासेस के निकात पर जोर। ओंटेरियो हुकूमत की जानिब से पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स के लिए अहम फैसला। तरबियत और अहम उमूर में $115 मिलियन की सरमायाकारी की जाएगी। ओंटेरियो हुकूमत का नौजवान सिया फार्म कारोबारी अफराद की मदद का फैसला। $1.2 मिलियन सरमायाकारी की जाएगी। ब्लैक इनोवेशन प्रोग्राम के जरिए सिया फार्म अफराद की मुश्किलात को कम किया जाएगा। कनाडा भर में कोरोना की वार तेजी से जारी। मरीजों की मजमू तादाद 855,126 तक जा पहुंची। हलाकतें 21,807 हो गई। अमरीका तालिबान मुहाइदे की जिम्मेदारी अफगान हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती। तालिबान रहनुमा का कहना था कि हमारा अमरीका की हुकूमत के साथ मुहाइदा है और हम उनसे मुहाइदे की पासदारी की तवक्को करते हैं। कोरोना वायरस से दुनिया में 25,10,000 से ज्यादा अमवात। केसेस की तादाद 11,31,67,000 से तजावुज कर गई। दुनिया में कोरोना के 8,87,71,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मैं डायनासोर हूं, मेरी उम्र 250 मिलियन साल है। ड्वेन जॉनसन ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेटी के हमरा तस्वीर शेयर कर दी। अलग और मजाही अंदाज में अपनी बेटी टिया से मोहब्बत का इजहार किया। नौरा फतेही भारत में कैरियर की इब्तदाई मुश्किलात को याद करके आबिदा कहती हैं कि इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। कहीं मुझे सख्त बुरा भला कहा गया तो कहीं मुझे रद्द किया गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956। हवाई अड्डे पर चंद मुसाफिरों को होटल में करंटीना से इनकार पर जुर्माने का सामना करना पड़ा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के हवाई अड्डे पर चंद मुसाफिरों को होटल में करंटीना से इनकार पर जुर्माने का सामना करना पड़ा है। पील रीजन पुलिस का कहना है कि ज्यादातर मामलात अफसरान से बातचीत के बाद हल हो गए, लेकिन कुछ मुसाफिरों पर $880 का जुर्माना किया गया। मुकामी पुलिस का कहना है कि टोरंटो के पेरिसन हवाई अड्डे पर आने वाले मुतादिद बैन अलाक्वामी मुसाफिरों ने एक नए उसूल पर अमल करने से इनकार कर दिया है, जिसमें 3 दिन तक होटल में करंटीना की जरूरत होती है। पुलिस का कहना है कि वो किसी भी शख्स को करंटीना की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक वो किसी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलविस ना हो। वफाकी हुकूमत ने इस हफ्ते नए कवायद नाफिज किए हैं, जिसके तहत टोरंटो, कैलगरी, वैनकोवर या ऑटावा के हवाई अड्डों पर आने वाले हर शख्स हुकूमत की जानिब से करंटीना के लिए मुख्तस किए गए होटल में से एक में 3 रात तक आइसोलेशन में रहना पड़ता है। मुसाफिर सिर्फ कोरोना के नेगेटिव टेस्ट के बाद रवाना हो सकते हैं। दूसरी जानिब थंडर बे का एक स्कूल बोर्ड कोरोना वायरस फैलने के सबब क्लासेस को ऑनलाइन मुंतकिल करना चाहता है। बोर्ड की जानिब से मकामी हेल्थ अथॉरिटीज पर जोर दिया गया है कि कोरोना के फैलाव के सबब ऑनलाइन क्लासेस के अहकाम जारी करें। ओंटेरियो हुकूमत की जानिब से एक तारीखी मुहिम के सिलसिले में पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स की तरबियत को बढ़ाने के लिए $115 मिलियन की सरमायाकारी की जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
اونٹیریو حکومت کی جانب سے ایک تاریخی مہم کے سلسلے میں پرسنل سپورٹ ورکرز کی تربیت کو بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کی جائے گی۔ اونٹیریو کی حکومت صوبے کے تحت اور طویل مدتی نگہداشت کے شعبوں میں 8,200 نئے پرسنل سپورٹ ورکرز کی تربیت کے لیے $115 ملین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ کالجز اونٹیریو کے اشتراک سے عوامی سطح پر معاونت والے 24 کالج اپریل 2021 میں شروع ہونے والی اس جدید مکمل مالی آنت والے پروگرام کی پیشکش کریں گے۔ یہ حکومت کے لانگ ٹرم کیئر کے اسٹاف پلان کے منصوبے کا ایک حصہ ہے جو صوبے کی تاریخ میں PSW کی سب سے بڑی بھرتی اور تربیت کی مہم ہے۔ پریمیئر ڈگ فورڈ نے کہا ہے کہ اپنے سب سے زیادہ کمزور افراد کو بچانے کے لیے تاریخی اقدامات کر رہے ہیں اور رہائشیوں کو جب اور جہاں ضرورت ہے وہاں اعلیٰ معیار کی دیکھ بھال فراہم کرتے ہیں۔ ہم PSW کے لیے اپنے بہترین افراد میں سے کچھ کو بھرتی اور تربیت دے کر حاصل کریں گے، اس سے ہمارے سینئرز کے معیار زندگی میں بہتری آئے گی اور دہائیوں سے نظر انداز کیے جانے والے اس شعبے میں بہتری لائی جائے گی۔ اونٹیریو حکومت کی جانب سے نوجوان سیاہ فام کاروباری افراد کی مدد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں کہ سیاہ فام افراد کی رکاوٹیں دور کریں اور ان کے کاروبار کو بڑھنے اور پھل پھولنے میں مدد کی جا سکے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹیریو حکومت کی جانب سے نوجوان سیاہ فام کاروباری افراد کی مدد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبے کی بدلتی معیشت میں سیاہ فام ملکیت والے ٹیک اسٹارٹ اپس کو کامیاب بنانے میں مدد کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ بلیک انوویشن پروگرامز کے ذریعے فراہم کی جائیں گی جو سیاہ فام ملکیت والے کاروباروں کو صارفین، ماہرین اور کاروباری افراد اور اثر انداز افراد کے ساتھ منسلک کر کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ کاروباری افراد نوجوانوں کی معاشی تحفظ کے لیے ایک اہم اور بڑھتے ہوئے مواقع کی پیشکش کرتے ہیں۔ پھر بھی کاروبار شروع کرنے اور بڑھتے وقت سیاہ فام تاجروں کو روایتی اور پیچیدہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے سبب حکومت کی جانب سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ سماجی خدمات کے وزیر ٹوڈ اسمتھ نے کہا، ہماری حکومت بلیک انوویشن پروگرامز کی حمایت کر رہی ہے، ان کے پاس بہترین آئیڈیاز ہیں، ہم ان کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ رکاوٹیں دور کی جا سکیں اور کاروبار کو بڑھنے اور پھلنے پھولنے میں مدد کی جا سکے۔ کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ مارچ میں موڈرنا کی جانب سے 1.3 ملین ویکسین کی خوراکیں موصول ہوں گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 855,126 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 21,807 ہو گئیں، جبکہ 802,926 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ مارچ میں موڈرنا کی جانب سے 1.3 ملین ویکسین کی خوراکیں موصول ہوں گی۔ برٹش کولمبیا میں کرونا کے ایک ہی دن میں ریکارڈ 456 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ صوبائی حکومت کی جانب سے تاریخی ویکسینیشن مہم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 284,472 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,346 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 296,173 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 6,893 ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 132,033 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,866 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 78,278 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,338 ہے۔ افغان حکومت کے طالبان سے مذاکرات کے لیے دوحا میں موجود مذاکراتی ٹیم کے رکن کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے کی ذمہ داری افغان حکومت پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغان حکومت کے طالبان سے مذاکرات کے لیے دوحا میں موجود مذاکراتی ٹیم کے رکن کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے کی ذمہ داری افغان حکومت پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ کابل نے امریکہ طالبان کے معاہدے کی وجہ سے نہیں بلکہ گرینڈ جرگے کے فیصلے کے مطابق 5,000 طالبان قیدیوں کو رہا کیا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ ہم نے قیدیوں کو رہا نہیں کیا۔ دوسری جانب طالبان نے افغان حکومت اور اس کے مغربی اتحادیوں پر الزام عائد کیا کہ وہ گزشتہ سال طے پانے والے معاہدے پر عمل نہیں کر رہے، جس میں قیدیوں کی رہائی اور غیر ملکی افواج کی واپسی شامل ہیں۔
दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर के एक सीनियर रहनुमा ने बताया कि कतरी दारुलहकूमत में इंट्रा अफगान बातचीत के आगाज के 3 माह बाद तमाम तालिबान कैदियों को रिहा किया जाना था। सदर अशरफ गनी की सरबराही में अफगान हुकूमत पर ताखीर का इल्ज़ाम आयद करते हुए तालिबान अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि उसे 5 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और उन्होंने एक भी कैदी रिहा नहीं किया है। ये मौकफ ऐसे वक्त में सामने आया जब अफगान मुसल्ला गिरोह ने हफ्तों की ताखीर और अमरीकी क़यादत तब्दीली के बाद मंगल को दोहा में अफगान हुकूमत के साथ बातचीत का आगाज किया। तालिबान अहदेदार ने बकिया अमरीकी अफवाज के इनखिला में ताखीर पर भी तशवीश का इजहार किया क्योंकि नए अमरीकी सदर जो बाइडन की नई अमरीकी इंतजामिया फरवरी 2020 में होने वाले दोहा मुहैदे पर नजरसानी कर रही है। जो बाइडन ने तनाजे के सियासी हल की हिमायत की है लेकिन वो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इत्तेफाक राय से फौजियों की वापसी की आखिरी तारीख का एहतराम नहीं कर सकते हैं। तालिबान रहनुमा का कहना था कि हमारा अमरीका की हुकूमत के साथ मुहायदा है और हम इनसे मुहायदे की पासदारी की तवक्को करते हैं। तालिबान तहरीरी मुहायदे के पाबंद हैं और हम तवक्को करते हैं कि दूसरा फरीक भी ऐसा ही करेगा। अमरीका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है जहां 5,18,363 अमवात हो चुकी हैं और 2,89,74,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 11,31,67,000 से तजावुज कर गई जबकि 25,10,533 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। दुनिया में कोरोना के 8,87,71,000 से जायद मरीज सेहतियाब हो चुके और 2,18,85,000 से जायद मरीज जेरे इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा खौफनाक है जहां 5,18,363 अफराद की मौत हो चुकी है और 2,89,74,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है जहां अमवात की तादाद 1,56,742 और 1,10,46,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमुई तादाद 2,50,079 और 1,03,26,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। रूस में 42,12,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमुई तादाद 84,876 है। बरतानिया में 41,44,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और 1,21,747 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में 36,61,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 85,321 जान की बाजी हार चुके हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 28,285 तक जा पहुंची हैं जबकि कोरोना वायरस के केसेस 26,65,194 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 41वें नंबर पर पहुंच चुका है जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,475 रिपोर्ट हुई हैं जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,76,021 तक जा पहुंची है। हॉलीवुड सुपरस्टार और मारूफ रेसलर ड्वेन जॉनसन दी रॉक अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं और अक्सर उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार अनोखे अंदाज में करते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने अलग और मजाही अंदाज में अपनी बेटी टिया से मोहब्बत का इजहार किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हॉलीवुड सुपरस्टार और मारूफ रेसलर ड्वेन जॉनसन अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं और अक्सर उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार अनोखे अंदाज में करते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने अलग और मिजाया अंदाज में अपनी बेटी टिया से मोहब्बत का इजहार किया। ड्वेन जॉनसन ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेटी के हमरा 2 तस्वीर शेयर की जिसमें उनकी बेटी उनका हाथ पकड़कर देख रही है। ड्वेन जॉनसन ने पोस्ट की वजाहत करते हुए लिखा कि मेरे हाथ की सख्ती और उन पर निशानात को देख और छू कर मेरी बेटी क्या महसूस करती है और इसका क्या मतलब समझती है। ड्वेन जॉनसन ने अपनी बेटी से कहा कि मैं डायनासोर हूँ और मेरी उम्र 250 मिलियन साल है। वालिद का जवाब सुनकर बेटी ने हैरानी का इजहार किया। वाजह रहे कि ड्वेन जॉनसन बॉडी बिल्डिंग और सख्त तरीन वर्जिश करते हैं जिसकी से उनके हाथ सख्त और उन पर निशानात हैं। कनाडा की मराकशी निजात अदाकारा और रकासा नूरा फतेही भारत में अपने कैरियर के इब्तदाई दिनों की मुश्किलात को याद करते हुए जज्बाती हो गईं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की मराकशी नजात अदाकारा और रकासा नूरा फतेही भारत में अपने करियर के इब्तदाई दिनों की मुश्किलात को याद करते हुए जज्बाती हो गईं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू में नूरा फतेही का कहना था कि मैं समझती थी कि कोई मुझे लेमोजिन में लेने आएगा और मैं किसी शानदार घर में रहूंगी और फिर उसी लेमोजिन में ऑडिशन के लिए जाऊंगी। ताहम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बल्कि मुझे उसके उलट इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि कहीं मुझे सख्त बुरा भला कहा गया तो कहीं मुझे रद्द किया गया।
गया और मुझे इंतहाई तकलीफ दह सूरत हाल का सामना रहा। नूरा ने बताया कि एक ऑडिशन के दौरान कास्टिंग डायरेक्टर ने, जिसे पता था कि मैं भारतीय नहीं और मुझे हिंदी नहीं आती, लेकिन फिर भी उसने मुझे हिंदी में स्क्रिप्ट पढ़ने को दिया ताकि वो मुझ पर हंस सके। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कैनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी। टैक टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कनाडा एंड अराउंड द ग्लोब।